रिश्ता लिखेंगे हम नया। रेस्ट करना कब सीखेंगे आप? बस थोड़ा सा काम बाकी। लाइए लाइए, हम यहां ये सोचकर आए थे कि मरीज का हालचाल पूछ लें, और आप हैं कि काम कर रहे हैं। कमाल करती हैं आप भाई साहब को। आप इस वक्त यहां क्या कर रहे हैं? आपको तो इस वक्त पुलिस स्टेशन में होना चाहिए ना। होना तो हमें वहीं चाहिए था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या मुंह लेके जाएं वहां। हमारे मां बाप दोनों ही गुनहगार हैं, ऐसे में क्या मुंह दिखाएं अपने कलीग्स को? यश बन्ना, आप कभी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटे। और लोगों का क्या है, जितने मुंह उतनी बातें। आज आपकी जो भी पहचान है वो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्तव्य की वजह से है, तो लोगों से क्यों डरना? आपका आत्मसम्मान ही आपका गुरूर है, इसे लोगों के लिए क्यों छोड़ना? बिल्कुल ठीक कह रही हैं दिया भाई साहब को, हम आज भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, बस थोड़ी हिम्मत जुटा लें। चलिए हम आपको आइसक्रीम खिलाते हैं। आइसक्रीम? हाँ, आइसक्रीम खाने से आपको आपकी हिम्मत वापस मिल जाएगी, देख लेना। चलिए नीचे जाते हैं। एक मिनट, आराम से आराम से। सॉरी दिया, लेकिन इस प्लान में मैं आपको शामिल नहीं कर सकता। सर, आपके पापा साहब की दादी साहुकुम को बंदूक की नोक पर रखे जैसे फरार हो गए हैं। What? Yes, सर, आपका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, हमारी टीम उन्हें ढूंढने निकल चुकी है। हुआ टाइम पर आ गए, वरना आपके काकी मासा को गोली लग जाती। अगर आप अपनी काकी मासा को सही सलामत ले जाना चाहते हैं वापस, तो अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दीजिए। नहीं रतन सर, मत कीजिए। चुप, ये लीजिए, साइन कीजिए। ये मेरी काकी मासा है, लेकिन आपकी तो मासा है ना। पैसे और जायदाद के लिए आपने अपनी खुद की मासा के सर पे बंदूक तान दी, शर्म नहीं आती क्या आपको? कैसे बेटे आप? बाप बड़ा ना मैया, सबसे बड़ा रुपया। शायद लंदन में आपने कहावत नहीं सुनी होगी, क्या है ना, आप बहुत इमोशनल काइंड है, लेकिन मैं इमोशनल नहीं हूं। मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है। साइन करो। नहीं रतन, मत कीजिए। क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं साइन करता हूँ, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए, मेरे साइन करने के बाद आप मेरी काकी मासा को जिंदा छोड़ देंगे। नहीं रतन, ठीक है, छोड़ देंगे। साइन करो। साइन करो। वहीं खड़ी रहना।
सिर्फ इमोशनल ही नहीं स्मार्ट भी हूँ। काकी मासा भागे यहाँ से, मैं इन्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। हमारी बात काकी मासा क्या सोच रही, निकली है यहाँ से, मैं देखता हूँ इनको। तुम हम बात करते हैं, गन नीचे रखिए प्लीज। दादा को काकी मासा क्या सोच रही, भागे यहाँ से। दादा को क्या सोच के, मैं संभाल लूंगा इन्हें, चाहिए यहां से। हम जानते थे आप ऐसा ही करेंगे, इसलिए हमने दिया बाईसा की बंदूक से गोलियां बदल दी थी। रघु बन्ना हमारे सगे बेटे से, हमारा खून से वो, हम अपने बेटे का ही साथ देंगे। हमारे जाने के बाद हमारे कमरे में कोई आया था? दाता हुकुम, कहीं दाता हुकुम हमारी पिस्तौल लेके रघुबन्ना के पीछे तो नहीं गए? इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए रतन साहब, आपकी सारी विरासत हमारे और रघुवन्ना के नाम कर दीजिए। हमारे अलावा कोई और भी है जो आपका दुश्मन है और अभी भी महल के अंदर है वो? यश बन्ना, जीपीएस ट्रैकर पे दाता हुकुम की लोकेशन पता कीजिए। उनका फोन भी स्विच ऑफ हो गया है। साइन कर, साइन कर। साइन तो मैं कर दूंगा काकी मासा, लेकिन मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे जितना प्यार दिया है, क्या वो सारा प्यार दिखावे का था, झूठा था? बकवास बंद कर, साइन कर। कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे काकी मासा, जवाब दीजिए। साइन कर दीजिए रतन साहब। इन पेपर्स पे मैं साइन तो कर दूंगा काकी मासा, लेकिन उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके लाडले बेटे ने आपको ये नहीं बताया कि पेपर्स के मुताबिक आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो कुछ भी है सब कुछ इनका हो जाएगा, एक फूटी कौड़ी तक नसीब नहीं होगी आपको, कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इन पेपर्स में आपका नाम ही नहीं है। ब्लैंकर, खुद पढ़ लीजिए। तो इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? अगर कुछ पैसों के लिए दाता हुकुम के वफादार लॉयर्स आपसे मिलकर नमक हरामी कर सकते हैं, तो कुछ और पैसों के लिए मुझसे क्यों नहीं मिल सकते? सारा खेल तो प्रॉपर्टी का है, इसके लिए हमने बहुत कुछ खोया है, अपने परिवार से अलग रहे, प्रिया जेल में है, यश हमसे नफरत करता है, आपने क्या खोया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। और वैसे भी इस प्रॉपर्टी में आपका हक ना था और ना है।
आपकी इतनी हिम्मत है बनना? आपका काम था दाता हुकुम को यहाँ तक पहुँचाना, अब आपकी कोई जरूरत नहीं है, आपका खेल खत्म। खत्म करना पड़ेगा। रतन साहब को मारने से पहले आपको हमारा सीना छलनी करना पड़ेगा। चकुबन्ना
वक्त आ गया से, हमारे पाप का घड़ा भर गया से, सालों से हमने जो गुनाह किए हैं वो हमें आज कबूल करने से। इंस्पेक्टर साहब रुकिए, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी से। कहिए। काकी मासा, मुझे इसी वक्त आपसे जरूरी बात करनी है, आइए मेरे साथ। आपकी काकी मासा तो आपके नजरें मिलाने के लायक को नहीं रही, आपको तो हमसे बात भी कौन ही करनी चाहिए, बस सजा दिलानी चाहिए। आपने हमेशा अपने माँ से बढ़कर हमें माना, लेकिन हम माँ के शब्द पर कलंक बन गए। अपनी दुनिया से आप यहाँ प्रेम और परिवार की उम्मीद के लिए आए थे, और हम यहाँ आपके खिलाफ साजिश रचते रहे। सगाई के दिन जो भी हुआ वो सब हमने करवाया था, और अब परंपरा अनुसार दियाबाई साहकुम आपके पोशाक पर इत्र छिड़केंगे। दियाबाई साहब को आपके सामने गद्दार हमने बनाया था। कुछ देर पहले आपने हमसे पूछा कि बचपन में हमने जो आपसे प्यार किया था वो झूठ था, वो धोखा था। काल का मां की कसम रतन सा, हमने आपको सच्चे दिल से प्यार किया से। जब पहली बार आपका नन्हा शरीर हमारे हाथ में आया तो हमें ऐसा लगा था कि आप हमारा आंच से। लेकिन फिर वो मन उस दिन आया हमारी जिंदगी में, हमने बड़ी प्यार से आपके लिए खीर बनाई थी, और बदकिस्मती से वो खीर बिल्ली खा गई और मर गई। खीर परोसी किसने थी? छोटी टकरानी सामने थी। हमारे रतन मन्ना खटक रहे हैं सबकी आंखों में, क्योंकि उनके पैदा होने के बाद वो वारिस बन गए हैं ना पूरी जायदाद के। जज्बात और भरोसे के साथ खेलना तो कोई आपसे सीखे छोटी ठकरानी सा। पद्मा ठकरानी सा ने ये साबित कर दिया कि हम आपको मारना चाहते थे। हम आज तक ये बात कौन नहीं समझ पाए कि उन्होंने हम पर इतना अविश्वास क्यों दिखाया। आप तो हमारी जान थे, दिन रात बस यही बात सोचते रहे कि क्या हमारे प्यार का कोई मोल कौन नहीं। इस बात से हम संभल ही रहे थे कि और एक अनहोनी हो गई। आपके पापा साहुकुम और माँ साहुकुम को तकदीर ने हमसे छीन लिया। यकीन मानिए रतन साहब, हम बिल्कुल नहीं जानते थे कि वो एक्सीडेंट हमारे बेटे और प्रिया कुवारानी सा ने करवाया था। हम नहीं जानते थे, हम कौन ही जानते थे। हमको बस आपकी परवाह थी, हमने अपने मन की कड़वाहट को फेंक दिया बाहर, और आपकी यशोदा माँ बनकर आपका ख्याल रखने के लिए तैयार हो गए। हमने सोचा था कि हम आपकी परवरिश करेंगे, आपकी जायदाद का ख्याल रखेंगे, और जब आप बड़े हो जाएंगे आपके हवाले कर देंगे। लेकिन मान दाता हुकुम ने हमसे ये हक भी छीन लिया। आपकी पहरेदारी को ले आए, काल का माँ की कसम रतन सा, ये बात हम सह को नहीं पाए। आखिर सच ये है कि अपना खून अपना हुए है, और पराया हमेशा पराया। इसलिए हमने ठान लिया कि अपने खून के लिए हम जायदाद पाकर रहेंगे। हम गलत थे रतन सा, अब हमें जो सजा देनी है आप दे दीजिए, हम कबूल करेंगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.